मशीन गन्स हैं, हैवी और मीडियम मशीन गन्स इनको कहते हैं, और बाकायदा तौर पर आप यहाँ पर अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरीके से हमारे फौजी जवान जो हैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा सा खूबसूरत सा स्टॉल है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ डिवीजन में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट डिवीजन है, ये है शापर 2, पाकिस्तान का अपना ड्रोन एंड अदर आर्मर ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का प्राइड है, और ये है गिड्स। वेलकम टू अ स्पेशल प्रोग्राम ऑफ एक्सपो दिस वीक। मैं हूं सलमान खान और हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर कराची में, जहां पर हो रही है आइडियाज 2022 पाकिस्तान आर्म्स फॉर पीस। ये एग्जीबिशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये 4 साल बाद हो रही है और 30 से ज्यादा ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स इसमें अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीबिट करने जा रहे हैं और 500 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल हाई लेवल डेलीगेशंस भी इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इट इज द 11th एडिशन ऑफ इनोवेशन एक्सेलेंस, और आज की इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेगा बहुत कुछ, फ्रॉम एमिनेशन टू वेपन्स, चाहे शॉर्ट गन्स हो, राइफल्स हो या मशीन गन्स, हैवी मिलिट्री व्हीकल्स कैसे तैयार की जा रही हैं, बॉडी आर्मर्स कैसे तैयार हो रहे हैं, और ये सब काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। सर्वेलेंस का सामान कैसे बनाया जा रहा है, टेक साइट पे क्या क्या काम हो रहा है, तो ये सब कुछ चीजें हम देखेंगे। आइए लेट्स डिस्कवर इट। मौजूद हूं HIT यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के इस बड़े खूबसूरत से स्टॉल के ऊपर, जहां पर तमाम तर प्रोडक्ट्स इन्होंने अपनी डिस्प्ले की हैं। ये ना सिर्फ टैंक्स बनाते हैं जिसमें अल खालिद जो कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान है, जरार है, हैदर है, साथ ही साथ ये ASVs आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स बना रहे हैं, APCs बना रहे हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी बना रहे हैं। और खुशाइन बात यह है, द बेस्ट पार्ट इज कि ये प्रोडक्ट्स ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं बल्कि ये एक्सपोर्ट भी हो रही हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। मिडल ईस्टर्न और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं इन प्रोडक्ट्स को लेकर जाती हैं और पाकिस्तान से जरे मुबादला भी कमा रहा है। आगे चल के आपको और भी बड़े बड़े सॉल्स दिखाते हैं, आइए। हमजा 6x6 MCV, द जाइगेंटिक मिलिट्री व्हीकल। और इंटरेस्टिंगली ये पाकिस्तानी एक कंपनी है जो कि ना सिर्फ मिलिट्री व्हीकल्स बना रही है, बॉडी आर्मर्स बना रही है, ड्रोन्स बना रही है, इसके अलावा राइफल्स बना रही है, और सब कुछ पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है। फॉर्चुनेटली उनके यंग CEO इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर असफंदियार तजम्मुल आवान। उनसे बात करते हैं, उनकी कंपनी के हवाले से जानते हैं।
Assalamualaikum. Assalamualaikum जी, क्या है आपका? अल्लाह करम. सबसे पहले यार, tell us something about the Cavalier Group. कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं आप लोग? जी, we started in the early 2000s, 2001 के करीब. हमने basically we're Pakistan's only private sector multi-domain defense manufacturer. Wow. When I say that, what I mean is के what you'll find at this exhibition is के generally अगर कोई वन पहली बात तो ये है कि मैन्युफैक्चरर्स ही बहुत कम हैं. जनरली आप देखेंगे ज़्यादातर इंडेंटर्स हैं जो कि किसी और का प्रोडक्ट है उसको आगे पिच कर रहे हैं. सेकंड ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक स्पेसिफिक डोमेन के हैं. अगर कोई गाड़ियां बना रहा है तो वो सिर्फ गाड़ियां बना रहा है. अगर कोई जैकेट्स बना रहा है तो वो सिर्फ जैकेट्स बना रहा है. व्हाट वी प्राइड आवरसेल्व्स ऑन इज के हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं. व्हाट यू सी हियर इज नॉट द कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. वी ओनली ब्रॉट दोज प्रोडक्ट्स दैट वर ऑफ प्राइम इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स देयर आर अदर प्रोडक्ट्स दैट वी कुडंट डिस्प्ले बिकॉज ऑफ स्पेस इशूज. हम जो बेसिकली चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि वी बिकम पाकिस्तान्स for the defense sector only we become Pakistan's one stop shop. Our idea is ke hum nice. hum aapke paas aapko a complete solution de sake. Aap hamare paas aaye, hum aapko from armored vehicles se leke, hum agar aap yahan dekhenge to we have armored vehicles, we have body armor, we have tactical gear, we're now into UAVs as well. And we've recently gone into assault rifles and sniper rifles. अच्छा माशा, ये बताइएगा आप लोग पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को तो प्रोवाइड कर रहे हैं. यस सर. लेकिन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं क्या? एक्सपोर्ट जी, एक्सपोर्ट एक्चुअली हमारी अपनी लोकल मार्केट भी काफी बड़ी है और हम तो उसके अंदर ही एक्चुअली काफी बिजी हो जाते हैं. बट फ्लैगशिप कार इज हमजा. फ्लैगशिप कार इज हमजा. दिस इट टुक अस almost 7 years and we're hopeful के अभी हमें बहुत अच्छा हमारे पास interest हमें आया है हमजा का, because हमजा is माशाल्लाह now tested, has been tested and trial इसके हो गए हैं, qualify हो गई है and Pakistan Army which is काफ़ी सारी दुनिया पाकिस्तान आर्मी को देख रही होती है कि अगर ये कुछ चीज़ इंडक्ट कर लें तो देन इट इज़ अ श्योर शॉट कि ये अच्छा परफॉर्म करेंगे. सो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, बहुत रिगरस स्टैंडर्ड्स हैं. हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी ज़्यादा अग्रेसिव हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा अश्विन यार आपसे मिलके, और बड़ा अच्छा लगा कि कैवेलियर ग्रुप इतना अच्छा काम कर रहा है एंड वी होप कि आप इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहें, पाकिस्तान भी फलता फूलता रहे. आगे चल के आपको दिखाते हैं बहुत से इंटरनेशनल आप कह लीजिए डेलीगेशंस भी यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत से इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स हैं, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं और पाकिस्तान क्या क्या मजीद वेपन्स बना रहे हैं. आइए मेरे साथ. पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बड़ा सा खूबसूरत सा स्टॉल, और यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो प्रोडक्ट्स बना रही है, ना सिर्फ वो डिस्प्ले किया है बल्कि एक वॉल पर जिन जिन ममालिक में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी डिस्प्ले किया है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये मशीन गन्स हैं, हैवी और मीडियम मशीन गन्स इनको कहते हैं, और बाकायदा तौर पर आप यहाँ पर अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसके लिए इसको होल्ड करने के लिए जो है, क्योंकि इसमें बड़ा जर्ग आता है, तो आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं किस तरीके से हमारे फौजी जवान जो हैं इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं. पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो है बहुत बड़ी तादाद में एम्यूनिशन, जिसमें बुलेट्स हैं, फिर शेल्स हैं, ये चीज़ें बना रही है. इसके अलावा जो है ये इसको स्मॉल आर्मर कहते हैं, राइफल्स हैं जो तैयार की जा रही हैं. इसके अलावा मशीन गन्स हैं, मीडियम मशीन गन्स मैंने आपको दिखाई, ये तमाम सर चीज़ें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तैयार कर रही है. वाह के अंदर मौजूद है ये, और इसके अलावा इसके ऑपोजिट साइड पर वाह इंडस्ट्रीज का भी जो है स्टॉल लगा हुआ है. वो क्या क्या पिस्टल्स, गन्स और प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आइए आपको वो भी. तो ये है शापर 2, पाकिस्तान का अपना ड्रोन, अनदर यू नो आर्मर ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने बनाया, पाकिस्तान का प्राइड है. और ये है गिड्स, ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन का बहुत ही जाइगेंटिक सा खूबसूरत सा स्टॉल, और फॉर्चुनेटली इनके सीईओ मिस्टर असद हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे जानते हैं गिड्स क्या है और क्या क्या पाकिस्तान को बना के दे रहा है. अल्लाह का शुक्र. सर, टेल अस समथिंग अबाउट गिड्स, क्या बना रहे हैं, क्या क्या सोल्यूशन आप दे रहे हैं? गेट्स ही पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग
कंग्लोमरेट है, हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 फैक्ट्रीज हमारे अंडर हैं, अंडर द डायरेक्टली अंडर द जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स अंडर द मिलिट्री ऑफ कोर्स, तो उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं हम वी आर द वन विंडो एक्सपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, और हमारे पोर्टफोलियो में देर अबाउट 150 प्रोडक्ट्स एयर लैंड सी सारी कैटेगरीज में सिक्योरिटी में, और वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंस द ईयर 2007। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो पाकिस्तानी फोर्सेस को तो आप दे रहे हैं, साथ साथ ही एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वेरी नाइस। पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, ज़र मुबादा कमा रहे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, विल बी प्लीज टू नो के 16 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, माशाल्लाह 30 आर ऑन द लिस्ट, और बड़ी डाइवर्सिटी है हमारा जो बिजनेस टच पॉइंट का जो मैप है। वी हैव मेड सेल्स एज फार एज पेरू एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, फार ईस्ट, इंडोनेशिया, सो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। वी हैव फ्लैग्ड पाकिस्तान का जो है वो झंडा है जस्ट टू मेक अ सेल एंड एस्टैब्लिश आवर ओन मार्क इन दैट कंट्री। अच्छा, यहाँ पर बहुत सी, एक तो मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं, शार्पर 2 नज़र आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी विजन से रिलेटेड, तो कितने डायमेंशन की प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो बना रहे हैं सर? असल में हर, जैसे मैं बता रहा था आपको कि 110 हैं टोटल प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है, एंटी टैंक वेपन से लेकर आपको रात को देखने वाली ऑप्टिकल साइट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे, मेटालिक माइन डिटेक्टर्स मिल जाएंगे, ड्रोन मिल जाएगा जो वेपन फायर करता है, क्रूज मिसाइल भी इधर है, बॉम्ब्स हैं, सो बहुत सारी लेवल की आप कह लें कि फ्रॉम अ सोल्जर्स असॉल्ट राइफल टू पायलट्स ड्रोन, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल ऑन द स्टैंड। वाओ, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और व्यूअर्स को भी अंदाजा हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, बहुत से इस तरह के स्टॉल्स हैं जो आपको दिखाने आइए। मौजूद हूँ पाकिस्तान आर्मी के पेविलियन के ऊपर, जहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तानी सोल्जर्स को जिन इक्विपमेंट के जरिए ट्रेनिंग दी जाती है उनको डिस्प्ले किया गया है, बल्कि आप देख सकते हैं जो डिफरेंट सूट्स पाकिस्तानी सोल्जर्स सियाचिन में -30 डिग्री सेल्सियस और उससे भी ज्यादा टेम्परेचर में जो इस्तेमाल करते हैं वो डिस्प्ले किए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो चीज़ें इस्तेमाल करता है, जो सूट इस्तेमाल करते हैं, फिर जो गैजेट इस्तेमाल करते हैं, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर कैमरे की आंख से आपको दिखा सकें, ऑन माय लेफ्ट पाकिस्तान नेवी का एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टॉल लगा है, और शिप की एक इन्होंने शक्ल दी है जिसपे इन्होंने तमाम तरह प्रोटोटाइप्स रखे हुए हैं, जो जो शिप्स, गन शिप्स पाकिस्तान नेवी यूज़ कर रहा है, सब मरीन्स यूज़ कर रहा है, और आगे चल के आपको दिखाएंगे कराची शिप यार्ड पाकिस्तान नेवी को क्या क्या बना कर दे रहा है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। आइए मेरे साथ। यहाँ और बहुत सी कंपनी है, अगर आप देखें, मैं आपको लिए चलता हूँ, टर्किश एरोस्पेस का एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा स्टॉल है, और जब एरोस्पेस की बात आती है तो आप देखिए कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर्स आते हैं, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी दिखाई देती हैं। इस कंपनी के चेयरमैन से भी हम कोशिश करेंगे कि बात करें, जाने कैसा लग रहा है उनको आइडियाज़ 2022 में आकर, और क्या क्या ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पर। सो आइए बात करवाता हूँ आपके। अस्सलाम वालेकुम, नाइस टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम टू पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड नेम, माय नेम इज राफत बोजदोगान, प्रोफेसर डॉक्टर राफत बोजदोगान, आई एम द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस टू सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग अस एट आवर होम, यू नो वी फील द पाकिस्तान इज आवर होम, यस यस, वेरी हैप्पी टू बीइंग हियर, श्योर वी आर योर ब्रदर नेशंस एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टे इन पाकिस्तान। यस यस यस, सो टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी एंड वेल, आवर कंपनी इज टर्किश एरोस्पेस, टर्किश एरोस्पेस इज द बिगेस्ट कंपनी इन आवर कंट्री, माशाल्लाह, प्रोड्यूसिंग द air systems, we have
5 different factories. Mashallah. One of them is UAV. UAV is over there. I'll show you. Uh-huh. And the other one is the aircrafts factories. These are the aircrafts. We have also helicopter factories over there. As we say in Turkey, Ayuval Adin, thank you very much. You're welcome. Thank you very much. As I told you, we are Pakistanis, you are Turkish. MashaAllah. Long live our legend. We feel like that. Ah. When I was a student at the primary school, our teacher who was asking me, who's your brothers? Pakistan. Oh, MashaAllah. Everybody saying like that. MashaAllah. Therefore, we are together, inshallah. We have the same feeling, sir. Yes, thank you very much. You're welcome. And it was a pleasure talking to you. This company ke chairman the Professor Dr. Rafid Sahab. And बड़ा डिटेल में उन्होंने बताया कि क्या क्या प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स ये लोग तैयार करें। आगे चल के आपको और भी बहुत से स्टॉल्स दिखाएंगे, टर्किश कंपनियों के, चाइनीज कंपनियों का पेवेलियन भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ। Look at these killer beauties. ये pistols जो हैं अपना बहुत बड़ी तादाद में, एक Turkish company है जिसने display की हैं, Sir Salmaz company का नाम है। और सिर्फ ये pistols ही नहीं बना रही, इसके अलावा जो है हमें machine guns भी नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ rifles नज़र आ रही हैं, एक काफ़ी range की ये weapons जो हैं वो तैयार कर रहे हैं और ये इन्होंने यहाँ पर display किया है। यही इस exhibition की खूबसूरती है कि यहाँ पर इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मौजूद है इस वक्त चाइना पेविलियन में और महकमा दिफा चीन ने बहुत ही खूबसूरत सा पेविलियन जो है यहाँ पर लगाया है और हर तरह की जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले की हैं। जिस तरह के हम किसी भी पेविलियन में जा रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो, तुर्की का हो या चाइना का हो, तो एरो टेक्नोलॉजी हमें देखने को ज़्यादातर मिल रही है। इसके अलावा प्रिसीजन मशीनरी जो है उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, किस तरीके से मिज़ाइल सिस्टम लगाया जाता है, किस तरह एंटी मिसाइल सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, और फिर ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम भी है और बड़े खूबसूरत मॉडल्स इसके जो है उन्होंने लगाए हुए हैं। फिर मेरी लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ फाइटर प्लेन्स हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, दैट शोज़ द डाइवर्सिटी चाइना इसमें काम कर रहा है। और जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, चाहे वो ड्रोन्स की हो, यूएवी सिस्टम्स हो, वो तमाम तरह यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। फिर इसके अलावा जो कैरिज प्लेन्स होते हैं जिसके अंदर सामान या लॉजिस्टिक्स के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, और उसका एक अलग यहाँ पर जो है महकमा दिफा चीन ने अपना सेट और स्टॉल जो है वो लगाया हुआ है। आइए आगे चल के आपको और भी इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, और बड़ा खूबसूरती से जो पाक चीन दोस्ती है उसको भी इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है। आइए, तो हम मौजूद हैं नॉरिनको चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के इस खूबसूरत से मेगा स्टॉल के ऊपर, और मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं, हैवी आर्मर्ड व्हीकल जो हैं, इसके अलावा मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं, और बड़े खूबसूरत इन्होंने मॉडल्स जो हैं वो रखे हुए हैं। इनको देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि पाक चाइना रिलेशनशिप जो कितना स्ट्रॉन्ग है, और ये तमाम तर सहूलियात जो हैं पाकिस्तान भी इसे हासिल करता है, और हमारा जो दोस्त
برادر ملک ہے چائنا, وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے اینٹی ٹینک میزائلز بھی انہوں نے ڈسپلے کیے ہیں. یہ نہ صرف سرفیس پہ کام آتے ہیں بلکہ سی لیول پہ بھی جو ہے یہ میزائل جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. اور دا بیسٹ پارٹ, ایک تو محکمہ دفاع چین نے بہت ہی خوبصورت قسم کا کہ یہ اسٹالز لگائے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ جو ہے وہ پاک چین دوستی کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور ویسے بھی ہم سب جانتے ہیں کہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی, سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے. اس وقت موجود ہوں کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرنگ ورکس کے خوبصورت سے اسٹال کے اوپر. اینڈ اٹس اٹانومس باڈی, ایک ایسی آرگنائزیشن جو کہ منسٹری آف ڈیفینس کے انڈر کام کرتی ہے اور بہترین قسم کے شپس بناتی ہے, انجینئرنگ ورکس کرتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ فارچونیٹلی موجود ہیں کیپٹن توصیف, ان سے بات کرتے ہیں, جانتے ہیں کیا کیا چیزیں پاکستان میں یہ بنا رہے ہیں اور دنیا میں ایکسپورٹ بھی کریں. سامنے وعلیکم السلام, نائس ٹو یو, آئی ایم فائن تھینک یو. I'm Captain Tawseef, currently serving. I'm a serving officer of Pakistan Navy, deputed at Karachi Shipyard. And I'd like to introduce Karachi Shipyard to you. Karachi Shipyard, as you see, it has been in service since 1956. And has a long history of building ships. We had projects with external bodies. We have made ships of external designs also. Now we are with the capability to build our own designs, ships of our own designs. We have design houses within Pakistan for ships, and now we are progressively working on submarine design also, and construction of submarines also. So we have been building ships for several countries also. We've been exporting ships, producing ships for China, Saudi Arabia, the Middle East countries, several other, even for Iran. And I'll be gladly telling you, informing you that Karachi Shipyard is at this time a self-sustaining organization, and we earn and we even pay a large sum of revenue to the government of Pakistan, taxes, in terms of taxes. And all our employees are being paid by through our own budget. We don't take any budget from the Ministry of Defense Production, but we do come under the Ministry of Production. Being part of this event, we have been visited by several other countries, Chief of the Naval Staffs, the Chief of Army Staff, and their delegates, and big companies also. They have been discussing with us to have some joint ventures and some business to business and government to government future engagements. So I hope we'll be making good engagements in this event. جی ہاں, یہ ہے نیکسٹ اپ نیشنل ایئر اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک, جو کہ آر این ڈی ڈپارٹمنٹ ہے ایک قسم کا, آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایئر فورس کا, اور بہت بہترین قسم کے سیمولیٹرز بنا رہا ہے جن پہ ٹریننگز دی جاتی ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ریپرزینٹیٹیو ونگ کمانڈر رضوان صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت ہی بہترین سے ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ کافی رش بھی ہے لوگوں کا. بالکل, یہ جو ہے پاکستان ایئر فورس کی وہ خوبصورت آر این ڈی یونٹ ہے جو کہ انڈیجنائزیشن کی طرف جا رہی ہے, جو کہ ملک کا فورن ایکسچینج بچا رہی ہے. اور لوگ یہ ایئر کرافٹ کیراکرم ایگل, جس کو ہم زیڈ ڈی کے بھی کہتے ہیں, اویکس جہاز ہے جو چائنیز میڈ ہے. اگر اس کا یہ پورا کمپلیٹ سیمولیٹر جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے, یہ ہم نے خود بنایا ہے. By looking at the aircraft, we have this capability to develop any simulator. اور یہ پورا کاکپٹ بنا ہوا ہے, پورا کاکپٹ شیل بنا ہوا ہے. اس کے اوپر جتنے سافٹ ویئر, جتنے سسٹمس ہیں, اٹ از ایگزیکٹلی رننگ ان دی سیم وے جیسے کہ ایکچوئل ایئر کرافٹ ہوتا ہے. اور ایک ریئل ٹائم ایکسپیرینس جو ہے وہ یہ دیتا ہے. جو سب سے بڑا سیمولیٹر کا فائدہ ہے وہ یہ کہ اس میں دیر از نو لائف رسک, یو کین پریکٹس اینی ایمرجنسی وداؤٹ اینی لائف رسک. سیکنڈ, یہ آپ کے لیے موسٹ اکنامیکل ہے. آپ کا جو ایک مشن $5,000 میں ہوتا ہے ان دی ایئر کرافٹ,
फॉर द 1 आवर ये लेस देन $250 की कॉस्ट आती है. Wow, और इट्स अवेलेबल फॉर 24/7 यानी कि इसमें कोई ये नहीं होता कि बैड वेदर है आज आप फ्लाइंग नहीं कर सकते. इट्स अवेलेबल 24/7 सो अब माशाल्लाह हम लोग ये एक्सपोर्ट भी करें कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास. C-130 का हम अभी ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुके हैं, हम मिराज का कर चुके हैं, हम IL-78 का कर चुके हैं. तो वी हैव द कैपेबिलिटी टू डेवलप एनी सिमुलेटर फॉर पाकिस्तान एयरफोर्स एंड थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द नेस्ट एप we can export it to all over the world. aur iske alawa ek aur simulator mein ye vr simulator acha this is a totally new technology which is a low cost solution. ye aapko maine backside mein this is called a virtual reality. iske andar you have the only the stick, rest everything is in the virtual environment. any cockpit you can change any cockpit by pressing a one button. it is a super macha cockpit. next button it is a Cessna cockpit, F-16 cockpit. Wow. it's only a pressing of one button the whole aircraft configuration is changes. Wow, this is three in one and this is a very low cost. it's hardly is more less than $50,000. thank you very much Vinkamata Rizwan, aapne ye details di aur the best part is ki tamam sar cheeze jo hai proudly made in Pakistan. ये है पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा सा खूबसूरत सा स्टॉल है जिसका कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है पाकिस्तान की असल स्ट्रेंथ है. और यहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ डिविजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जिसका कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट डिवीजन है जहाँ पर हाई स्पीड टारगेट ड्रोन जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल करता है. इसके अलावा दूसरा डिवीजन है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिवीजन जिसके अंदर रेडार IR सिस्टम ये जैमर्स जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल होते हैं कि अगर कोई हमारी हदूद में दाखिल हो जाए तो किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन ख़त्म की जाए ये कम्युनिकेशन जैमर्स हैं. इसके अलावा ये ख़ास किस्म के दूसरे जैमर्स हैं जो कि ब्लाइंड कर देते हैं अगर कोई दुश्मन का जहाज़ इसके अंदर आ जाए उसको पता नहीं चलेगा उसकी लोकेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा. तो इस तरह की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसपे अब ख़ास तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर रही है क्योंकि दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल या आप कह लीजिए अगले लेवल का काम है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स कर रहा है. और इंटरेस्टिंगली अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपना स्पेस डिवीजन यहाँ पे उन्होंने बनाया जो स्पेस से रिलेटेड काम कर रहा है जिसके अंदर सैटेलाइट में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है कौन कौन सी सैटेलाइट्स पाकिस्तान के इर्द गिर्द गुजर रही हैं उनको देख रहा है. अच्छा इसके अलावा मेट्रोलॉजी पाकिस्तान में किस तरह का कोई खुदा ना खास्ता मौसमियाती डिज़ास्टर आ सकता है उसके हवाले से भी अब जो है बाकायदा तौर पर उस पर नज़र रखी जा सकती है. और ये जो सैटेलाइट है प्रोटोटाइप्स आपको नज़र आ रहे होंगे इस पे अब ख़ास तौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स जो है बहुत ज़्यादा काम कर रही है जो टेक साइड है पाकिस्तान की दिस इज़ द फ्यूचर. इसके अलावा जो एक और बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ के अंदाज़ा हुआ कि NASTP के नाम से जो है नेशनल एरोस्पेस ट्रेनिंग पार्क बनाया गया है जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि एकेडमिया पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडस्ट्री को मिलाकर जो है काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आवर वेरी ओन प्राइड ऑफ पाकिस्तान JF-17 और सुपर मशाक तैयारे जो हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं खड़े किए गए हैं और साथ ही साथ अल खालिद टैंक और दीगर जो टैंक्स और हैवी मिलिट्री व्हीकल्स जो पाकिस्तान बना रहा है वो भी यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आम पाकिस्तानी देख सकें कितनी मेहनत से ये तमाम तर चीज़ें तैयार की जाती हैं और कितनी मेहनत से हमारे पाक अफवाज के सपूत जो हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं. सो दैट वॉज आइडियाज 2022 और यकीनन आज का प्रोग्राम ना सिर्फ आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा बल्कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने पहली दफ़ा देखी होंगी चाहे वो वेपन हो एमिनेशन हो हैवी मिलिट्री व्हीकल्स हो बॉडी आर्मर्स हो और ये तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं. टेक्निकल साइड पे टेक साइड पे अगर हम देखें तो सर्वेलेंस की बहुत सी चीज़ें बनाई जा रही हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें कमांड कंट्रोल सिस्टम की जो है वो तैयार की जा रही हैं. नेवी हो एयरफोर्स हो पाकिस्तान आर्मी हो बेहतरीन काम कर रही है और हमें अपनी अफवाज पर जो है बिलाशुबा फ़ख्र है और इन एग्जीबिशंस को देख कर मज़ीद फ़ख्र होता है. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो स्लोगन है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आर्म्स फॉर पीस और पाकिस्तान ये तमाम तरह असलाह तैयार कर रहा है आर्म कायम करने के लिए ताकि कोई भी हमें
मैली आंख से ना देख सके। और साथ ही साथ इस एग्जीबिशन में हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन्होंने भी बड़े बड़े पेवलियन लगाए और हम पाकिस्तान के साथ दूसरे ममालिक जो हैं दे आर जॉइनिंग देयर हैंड्स, मिलकर काम कर रहे हैं ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, एक्सपो दिस वीक की टीम और अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में एक नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।